दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीष शर्मा, फिलहाल हम खड़े हैं सुभाष नगर में और आप लोगों को बताना चाहेंगे गढ़वाल मंडल के पदाधिकारियों द्वारा गढ़वाल मंडल में जो प्रांगण में जो रामलीला चल रही है 1 तारीख से, उसको लेकर आज जो है भगवान श्री राम की बरात शोभा यात्रा के रूप में आज निकाली जा रही है। आइए हमारे साथ मातृशक्ति और इस रामलीला से संबंधित पदाधिकारी साथ में बातचीत करेंगे। जी कमला कांतला जी, क्या कहना चाहेंगी, आज किस चीज को लेकर जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, आज राम बरात निकल रही है, शाम को धनुष यज्ञ हो गया गढ़वाल सभा में और सभी लोग उत्साही तो पूरे नगर के लोग इस बरात में शामिल हो रहे हैं और सभी बहुत खुश है। शाम को राम जी का धनुष टूटेगा और राम जी का ब्याह होगा, इसलिए सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, आज राम बरात निकल रही है, क्या अभी जो है स्वयंवर होगा और धनुष टूटेगा, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह है लोगों के अंदर? आप लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और आज हम लोग रामलवे पहली बार राम बरात निकल रहे हैं। हमारे यहाँ रामलवे जो है सन 1974 से हो रही है, लेकिन राम बरात का प्रायोजन नहीं हो पाता था, तो इसमें हम पहली बार रामलवे का प्रयोजन, शोभा यात्रा पहली बार निकाली, पहली बार शोभा यात्रा निकाली जा रही है और मातृशक्ति के साथ, मातृशक्ति हम लोगों के साथ पूरी रामलवे समिति में जुड़ी हुई है और मैं ये गढ़वाल सभा की रामला जो सुभाष नगर प्रांगण में गढ़वाल सभा प्रांगण हो रही है, मैं रामला का संयोजक हूँ और रामला हम लोगों के यहाँ बड़ी धूमधाम से हो रही है और यात्रा भी काफी धूमधाम से गया है कि इस बार जो है पहली बार ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। रामलीला तो पहले से होती आई है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या खास है, क्या विशेष है? देखिए, मैं तो हम सबको अपना सौभाग्य मानती हूँ कि सतयुग में तो हमें राम बरात में जाने का अवसर नहीं मिला, पर कलयुग में होकर भी अगर हमें राम बरात में जाने का अवसर मिल रहा है तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सब जो है राम के बराती बने आज और राम जी के विवाह में हम बराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी पूजा गुप्ता जी जो है इस समय इस राम बरात में उपलब्ध है, आइए बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल देख रही है इस प्रकार का जो रुड़की में इस समय जगह जगह रामलीला है और इस प्रकार के भव्य आयोजन हो रहे हैं। पूजा जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रमों को? कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारी संस्कृति का हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कहूंगी आज राम बारात में मुझे आने का मौका मिला तो मेरे बहुत सारे भाग्य उदय हुए हैं कि मुझे इसमें मौका मिला, क्योंकि अपनों की शादी में तो हम जाते हैं बारात में शामिल होते हैं, लेकिन राम जी की बारात में शामिल होने का मजा ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और है। भले ही काल्पनिक हो, क्योंकि सच्चाई तो उस समय रही होगी त्रेता युग में, लेकिन काल्पनिक है कलयुग में, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। देख, काल्पनिक नहीं, मन में सोचो तो आपको आज भी ऐसे लगा कि आप राम जी की बारात में असलियत में शामिल है और आज भी भगवान राम की शादी होगी और हम उसका आनंद लेंगे अपनी आंखों से और अपने आप को धन्य बनाएंगे। तो आयोजक जो है जिस प्रकार से उषा जी हैं, इनके साथ आयोजक लोग हैं, इन आयोजक मंडलों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनसे गढ़वाल समिति से कहूंगी कि बहुत अच्छा लग रहा है और इनका ये भव्य प्रोग्राम और राम बारात तो सब देख के इनकी श्रद्धा का पता चलता है कि इनमें भी भगवान में इतनी श्रद्धा है कि सब इतने आए हैं। और मैं इनका धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया, मुझे ये भाग्य उदय मेरा हुआ और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी इनका। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ पूजा गुप्ता जी, जिन्होंने जो है शुभकामनाएं प्रेषित की है, ये जो मंडली है इनके इनके लोगों को, जिनके द्वारा आज इस राम बरात का भव्य आयोजन किया गया। और भाई लगता ऐसा है कि भाई राम जी की बरात में सम्मिलित हो रहे हैं, तो वैसे ही भाग्य उदय हो जाना है। तो जुड़े रहिए समर्थ भारत न्यूज के साथ, मैं मुनीष शर्मा, धन्यवाद।